आदाब मैं मुमताजा रिजवी बात करूंगा मैं आम आदमी पार्टी की ईडी की और आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रुक्न पार्लियामेंट संजय सिंह की जी हां संजय सिंह ने ईडी के चेहरे को बेनकाब कर दिया है उन्होंने बताया है कि ईडी कितना खुखार हो चुकी है और किस तरीके से जुल्म कर रही है और गलत बातों के लिए किस तरीके से हां करवा रही है पूरे कागज पे दस्तखत करवा रही है जी हां ईडी के बारे में इससे पहले आपने न सुना होगा कि इतनी ये जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है ये इतना डेंजर हो जाएगा कि आम लोगों से वो हामी भरवाएगा उस बात के लिए कि जो उसने किया ही नहीं है जी हां संजय सिंह ने पूरे सबूत पेश किए हैं और ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह ने जो सबूत पेश किए हैं उसके बाद ईडी पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और यही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो सरकार भी बेनकाब हो गई है क्योंकि ईडी को चलाने वाली सरकार है यही मोदी सरकार आइए सबसे पहले सुनते हैं कि संजय सिंह ने किस तरह से ईडी को बेनकाब किया यह देखिए मैं पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कैसे इन्फोर्सिंग डिक्टेटरशिप बन गया है कैसे तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूंगा ईडी जो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जांच करती है किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है किस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करती है और तो और जिसके कारण आज मैं ये पीसी कर रहा हूं एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धमकी पत्नी को धमकी बूढ़े मां बाप को धमकी मारना पीटना प्रताड़ित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना यह मैं नहीं कह रहा हूं यह न्यायालय के सामने उन लोगों के बयान है जिनसे जबरन मारपीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूं यह पहला नाम है चंदन रेड्डी का यह चंदन रेड्डी हाई कोर्ट में पिटिशन करते हैं माननीय है उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि ईडी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये सारी बातें इसने लिखी और इतना ही नहीं इस चंदन रेड्डी को इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के पर्दे फट गए दोनों कान के पर्दे फट गए मार मार के प्रताड़ित करके ईडी का जो हिटलर शाही का कैश चैम्बर है मैं कहूंगा वहां पर थर्ड डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखड़े माननीय न्यायालय के सामने इसने बयान किए तो देखा आपने संजय सिंह ने किस तरह के सबूत पेश किए क्या इसके बाद भी अब कुछ बताना बाकी है आखिर क्यों ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है क्या सरकार में बैठे लोग यह समझते हैं कि मुस्तकबिल में भविष्य में उनको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा क्या वो ये समझ बैठे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की हुकूमत रहने वाली है अगर ऐसा समझते हैं तो यह गलत है क्योंकि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए अब भी वक्त है मैं समझता हूं कि सही काम किया जाना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया